जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं मनीष राजपूत फिटनेस अवार्ड 10 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सबसे अलग है, सबसे हटके है, क्योंकि इस वीडियो में रजनी आखिरी बार दिखाई देगी, क्योंकि इसके बाद रजनी अपने हॉस्टल जा रही है। तो सबको बड़ा दुख हो रहा है, रजनी हॉस्टल जा रही है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशनल है हम सब। पर क्या है, उसका भविष्य है, जाना पड़ेगा। हॉस्टल से कॉल आया है कि रजनी को कल हॉस्टल में छोड़ जाइए। ऐसा नहीं, रजनी यहाँ पर भी पढ़ सकती थी, पर क्या है कि लॉकडाउन से पहले हमने रजनी का एडमिशन वहीं पर करवा दिया था, जिससे वो हॉस्टल में रहने जा रही है, वहीं से वो स्कूल जाएगी। तो रजनी कुछ कहना चाहेगी इसके बारे में, हम उससे पूछते हैं। तो भैया ने बताया कि मैं कल हॉस्टल जा रही हूँ, तो मैं आपसे वीडियो नहीं बनाऊंगी, और मैं जब भी आऊंगी तो वीडियो बनाऊंगी और आपको मैं बताऊंगी। तो और मैं जा रही हूँ हॉस्टल, तो मैं वहाँ पे भी दौड़ करूंगी, और यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पे भी तैयारी करूंगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ। हमारे घर के लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हॉस्टल के अपने रूल होते हैं, पसंद का खाना नहीं मिलता है, जो वहाँ पर जैसा मिलता है बनता है वही बनेगा, पर वो अच्छे मन से पढ़ाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, रजनी ने बहुत ही खूब कहा है कि मैं वहाँ पर भी प्रैक्टिस करूँगी, दौड़ कंटिन्यूस रखूँगी, क्योंकि जो उसका लक्ष्य है वो उस पर वो पूरी फोकस बनाए रखेगी। तो आपका भी कुछ लक्ष्य होगा तो अपना भी फोकस बनाए, कहीं भी जाए कहीं भी रहें, पर अपने लक्ष्य को ना भूलें, अपने माता पिता का सपना पूरा करें, जो हमें पैदा किए हैं माता पिता ने, उनके लिए कुछ करें, आगे बढ़ें, देश के लिए करें। जी रजनी ने बहुत खूब कहा, तो अपने लक्ष्य को आप ना भूलें, अपना लक्ष्य है उस तक जरूर जाएं, अपने माता पिता का सपना पूरा करें, अपने देश का नाम करें, अपने गाँव का नाम करें, अपना खुद का नाम करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कर जाना चाहिए कि लोग, आने वाले लोग हमें याद करें। 100 साल जीने के लिए जरूरी नहीं एक दिन में ऐसा कर जाओ कि 100 साल तक लोग याद रखें। बहुत खूब कहा है किसी ने। तो अब मेरी फिटनेस सीरीज आने वाली है, अभी मेरे पास माइक नहीं था तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरे जितनी भी वीडियो आई हैं उनमें मैं किसी और का माइक लाया करता था, जिससे मैं वीडियो शूट करता था, और कभी कभार तो मैं ऐसी ही वीडियो डाल दिया करता था। अब मेरे पास माइक आ गया है और मैं अपनी फिटनेस सीरीज चालू करना जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा मैं क्या डाइट लेता हूँ, कैसे मैं क्या वर्क करता हूँ, दिन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, पूरी प्रॉपर वीडियो आने वाली है। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, कर दिखाओ ऐसा कर दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।